तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ खतरनाक तबाही मचा देने वाली डिजास्टर मूवीज़ के बारे में, जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देगी, क्योंकि शायद ही आपने कभी ऐसी फिल्में देखी होंगी। और ये सारी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप लोग गूगल पे आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर 5, पोसाइडन। 2006 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है पोसाइडन नाम के एक पानी के बहुत बड़े जहाज से, जो अपने आप में ही एक अजूबा था, जो अपनी सवारी को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सात समुंदर पार करता है। लेकिन जब बीच समुंदर में एक भीमकाय समुद्री लहर जहाज को पलट देती है, तो देखना ये है कि कैसे सब लोग अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म टाइटैनिक फिल्म से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। नंबर 4, द वेव। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी शांत झील से। तो कुछ वैज्ञानिक उस झील पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी एक 80 मीटर ऊंची लहर उठती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस फिल्म में एडवेंचर के साथ साथ गजब की तबाही भी देखने को मिलेगी। नंबर 3, द इम्पॉसिबल। 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, जो गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए समुद्र के किनारे एक होटल में रुकते हैं, जहां वो खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये मौज मस्ती कुछ ही देर की थी, क्योंकि तभी एक बहुत बड़ी समुद्री लहर उनसे टकराती है। फिल्म बहुत ही गजब की है, ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 2, जियोस्ट्रोम। 2017 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है स्पेस में भेजे गए वेदर कंट्रोल सैटेलाइट से, जो अनचाही गर्मी, ठंडी और तूफान को कंट्रोल करता है। लेकिन जब उस सैटेलाइट में एक खराबी के कारण पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए साइंटिस्ट के एक ग्रुप को स्पेस में भेजा जाता है। तो क्या साइंटिस्ट उस सैटेलाइट को ठीक कर पाते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। Stolen state secrets. Yeah, anything I'm forgetting, honey? Honey. Hold on! Mario. Number 1. ये फिल्म मेरी भी फेवरेट है। 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से, जिसके मुताबिक 2012 में हमारी पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पूरी फिल्म इसी पर बेस्ड है। फिल्म में बहुत सी बातें बताई गई हैं, जिसे हमें सुधारने की बहुत ज़रूरत है, वरना भविष्यवाणी बहुत जल्द ही सच हो सकती है। तो गाइस, मूवी देखो और खुद समझ जाओ क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो जितने मर्जी लाइक ठोको यार, आज कोई लिमिट नहीं है लाइक्स की, क्योंकि आज तुम्हारे भाई का दिल टूटा है। और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्यार करो या ब्रेकअप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं भी चलता हूँ ब्रेकअप पार्टी करने, जिसको आना है आ जाओ।